नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओके क्रेडिट में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना, और आज हम जिस बिजनेस आइडिया को लेकर आपके सामने आए हैं उसे आप अंत तक समझिएगा, देखिएगा, क्योंकि अगर आप अब तक ये सोचते थे कि भाई मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं बिजनेस में लगाऊं, मैं कहां से इतना पैसा लाऊंगा, तो ये 5 आइडियाज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आप और किस तरह के वीडियोस आगे देखना चाहेंगे बिजनेस को लेकर। हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। तो चलिए, आपके सामने 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज आज मैं लेकर आई हूँ जिसमें आप कम लागत में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 2 लाख रुपया भी है तो आप 2 लाख रुपए लगाकर आप अच्छे खासे बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि ये 5 बिजनेस आइडिया वो बिजनेस आइडियाज हैं जहां पर सरकार भी आपकी मदद करती है। सरकार आपको लोन में मदद करती है, साथ ही साथ सब्सिडी में मदद करती है, और हाँ, सबसे बड़ी बात कि आप जितना लगाएंगे उस बिजनेस को उससे ज्यादा बढ़ाने के लिए सरकार आपके साथ रहेगी प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राइस एवं करी पाउडर यूनिट। वर्तमान समय में करी व राइस पाउडर की मांग काफी ज्यादा बढ़ रही है। अगर आप राइस एंड करी पाउडर मेकिंग यूनिट लगाते हैं तो आपको लगभग 6.55 लाख रुपए की प्रोजेक्ट कॉस्ट में ये यूनिट शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको लगभग 1.66 लाख रुपए अपने पास से लगाने होंगे, जबकि 3.32 लाख रुपए टर्म लोन और 1.66 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल लोन लेना होगा। इसके लिए सरकार द्वारा लोन योजना भी चलाई जा रही है, जो आपको भविष्य में सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाने का एक कदम साबित है। ये लोन मुद्रा स्कीम के तहत किसी भी बैंक से लिया जा सकता है। मुद्रा वेबसाइट पर जारी की गई प्रोजेक्ट प्रोफाइल के मुताबिक आपको इस प्रोजेक्ट को लगाने के बाद आसानी से लगभग 1.45 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हो सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने का सबसे ज्यादा मुनाफा ये है कि इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के अनुभव की जरूरत नहीं होगी, और इसके साथ ही सरकार द्वारा 80% तक फंड और सब्सिडी भी मिलेगी। टोमेटो सॉस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। टोमेटो सॉस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने के लिए 1.95 लाख रुपए तक का निवेश लगेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम के प्रोजेक्ट प्रोफाइल के मुताबिक कोई भी टोमेटो सॉस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर सकता है शुरू। 1.50 लाख रुपए टर्म लोन और लगभग 4.36 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल के लिए मुद्रा स्कीम से लोन के रूप में मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक साल भर में आप लगभग 30,000 किलोग्राम टोमेटो सॉस तैयार कर सकते हैं। इतनी सॉस तैयार होने पर सालाना प्रोडक्शन कॉस्ट के रूप में लगभग 24,37,000 रुपए की लागत आएगी। वहीं 30,000 किलोग्राम सॉस केवल 95 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट से बेचकर ही सालाना 28,50,000 रुपए बना सकते हैं। इस प्रकार आपको लगभग 4,12,000 रुपए तक की इनकम आसानी से जुट जाएगी। आयुर्वेदिक कैप्सूल यूनिट। महामारी के इस दौर में आयुर्वेदिक कैप्सूल बनाने का बिजनेस करना एक बेहद अच्छा विकल्प है। अगर आप आयुर्वेदिक कैप्सूल बनाने की यूनिट शुरू करना चाहते हैं तो लगभग 1.10 लाख रुपए में आप ये यूनिट कर सकते हैं शुरू। इस प्रोजेक्ट की कुल कॉस्ट 4,47,000 रुपए तक आएगी। इतनी लागत में आप 20 लाख तक कैप्सूल बना सकते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट में दुकान या ऑफिस का किराया, लाइट बिल, स्टाफ या कर्मचारियों का वेतन, माल खरीदने के लिए लगने वाला खर्च आदि शामिल है। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लोन लिया जा सकता है। प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगभग 11,72,000 रुपए तक आएगी। वहीं आपकी सेल्स लगभग 15 लाख रुपए तक होगी, मतलब लगभग 3,28,000 रुपए का सीधा मुनाफा आप पा सकते हैं। राइस प्रोसेसिंग मिल। राइस प्रोसेसिंग मिल का बिजनेस आप 3.5 लाख रुपए तक शुरू कर सकते हैं, जिसमें 25% पैसा आपको लगाना होगा। इस बिजनेस के लिए 2 लाख रुपए तक बैंक से आपको लोन मिल जाएगा। राइस प्रोसेसिंग मिल प्रोजेक्ट के तहत आप लगभग 370 क्विंटल चावल की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इतनी राइस की प्रोसेसिंग की कॉस्ट लगभग 4,45,000 रुपए तक आएगी, और जब पूरा होकर माल बिकेगा तो आपको लगभग 5,54,000 रुपए मिलेगा। इस प्रकार आपको लगभग 1,10,000 रुपए तक कमाई आसानी से हो सकती है। आयुर्वेदिक चूर्ण बिजनेस। महामारी के इस दौर में कोई भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने में लगा है। यदि आप ऐसे माहौल में इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपके लिए डबल मुनाफा होगा। यूं तो अब आयुर्वेदिक औषधियों की तरफ वापस लोगों का विश्वास बढ़ने लगा है, हर कोई आयुर्वेदिक औषधि लेना अधिक प्रेफर करता है। ऐसे में इस बिजनेस को कर आप भविष्य में सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक आप 4.76 लाख रुपए के प्रोजेक्ट कॉस्ट में आयुर्वेदिक चूर्ण बनाने की यूनिट शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 1.25 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। इसमें शेड का किराया, इक्विपमेंट्स और 1 महीने की वर्किंग कैपिटल शामिल है।
इस प्रोजेक्ट को से लगभग 65,000 कंटेनर्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 13,41,000 रुपए तक आएगी और टोटल सेल्स 16,00,000 रुपए तक होगी। यानी कि अब वो लगभग 2,58,000 रुपए तक की कमाई आसानी से होगी। हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये 5 बिजनेस आइडिया काफी समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में वो सवाल जरूर लिख सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आगे आप किस तरह का वीडियो देखना पसंद करेंगे या कौन सा ऐसा सवाल है जिसका आंसर आपको अभी तक नहीं मिल पाया है। तो चलिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ओके क्रेडिट देखते रहिए, क्योंकि हम तमाम वो आइडियाज लेकर आते हैं जो आपने इस प्लेटफॉर्म पर शायद नहीं सुने होंगे ना देखे होंगे। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम ये आइडियाज व्यवहारिक तौर पर एक्सपर्ट से राय लेकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। नमस्कार। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।